उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में भारी भूधसाव के बाद वहां फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने भी राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए सिलक्यारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दो दिन में सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि देहरादून से ऑगर मशीन मंगवाई जा रही है, जिसकी सहायता से सीवर लाइन की तर्ज पर होल करके मजदूरों तक पहुंचा जा सके और इस कार्य में 24 घंटे तक का समय और भी लग सकता है। वहीं मौके पर मौजूद NHI, DCL और RBNL के विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें 5 दिन तक कोई भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। देखिए वहां पे ऐसा लगता है देखने से हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है, जिसके कारण टनल के बाद, टनल तो काफ़ी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहाँ चीज़ें कोलैप्स की गई थी हुई है। जैसा बताया गया वहाँ पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूँकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहाँ पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसके उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना, दो तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, तीन तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं JCB से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से।